सीकर में अपर जिला और सेशन न्यायालय ने 5 साल पहले हुए ऑनर किलिंग के मामले में मृतका के पिता को मौत की, वहीं जबकि 10 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं मामले में 3 आरोपियों को बरी किया है। मामला 2019 का है। इस दौरान आरोपी पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को अपने रिश्तेदार और सहयोगियों के साथ मिलकर जान से मार दिया था। इसके बाद दोनों के शवों को जीन माता इलाके की पहाड़ियों में फेंक दिया था। माननीय न्यायालय ने 14 में से 11 मुलजिमानों को दोषी मानते हुए 302 में एक मुलजिमान जो मैन मुलजिमान उस लड़की का फादर था उसको फांसी की सजा तथा शेष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में अलग अलग अर्थदंड दिया गया। भारत की इस न्याय प्रणाली से मैं पूर्णतः पहले संतुष्ट था। मुझे पूरा विश्वास था कि यह फैसला एकदम न्याय संगत होगा और आज हमें न्याय मिली है। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। जो इन दो निर्मम दो मतलब निर्दोष व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या की है इन हत्यारों ने, उनको आज जो सजा मिली है इसके लिए मैं इससे पूर्णतया संतुष्ट हूँ। 69 गवाहन के इसमें बयान लिखबद्ध हुए और 270 दस्तावेज इसमें प्रदर्शित करवाए, जिसके अंदर घटनास्थल के CCTV फुटेज भी शामिल थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में आज माननीय न्यायालय ADJ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह जी बेनीवाल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। जो अन्य आरोपी जो इन दोनों हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे उनको 302, 364, 120 भी, 201, 149 सपठित, 302 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और अलग अलग अर्थदंड से इनको दंडित किया है।